नमस्कार, नवीन भंडारी आपको ले चला है उत्तराखंड चमोली जिले की खबर की ओर। अभी हम मौजूद हैं सीमांत जोशीमठ क्षेत्र में, जहां बात करेंगे हम मौसम की। तो मौसम की बात करें तो उत्तराखंड चमोली जिले में लगातार बारिश का दौर चला रहा है और बर्फबारी का यहां पर देखने को मिल रहा है। मार्च का महीना चल रहा है, यहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसी बर्फबारी देखी है। क्योंकि बात करें बर्फबारी की, एक बार फिर मौसम ने ठंडक बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ पर उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए अलर्ट किया था और मौसम विभाग की जानकारी सही साबित हो रही है। क्योंकि बात करें बर्फबारी की, इस बार मौसम ने ऐसी मार झेली है कि उत्तराखंड त्रासदी की मार झेल रहा है, क्योंकि बर्फबारी से कई जगहों पर दिक्कतें आ रही। क्योंकि कई जगह हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी हैं जहां न रोड की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, क्योंकि वहां अधिकांश लोग परेशान रहते हैं इस बर्फबारी से। तो बर्फबारी की मार अधिकांश हमारे क्षेत्र जो हमारे चमोली जिले के हैं मार झेल रहे हैं। सफेदी की एक बार बात करें तो सफेदी पूरे पहाड़ों को एक बार अपनी लपेट में ले चुकी है। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आधा फीट के आसपास फिर औली में बर्फ नापी गई है। बात करें हमारे पूरे उत्तराखंड की, उत्तराखंड में लगातार इस बार ठंड काफ़ी दस्तक दे चुकी है। सामने हमारी जो पहाड़ी है, आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से वो औली दिख रहा है, ठीक औली के समीप है वहाँ नदी, क्योंकि औली में आधा फीट के आसपास बर्फ नापी गई है। जो सामने और भी एक पहाड़ी है जिसके पीछे ठीक बद्रीनाथ पड़ता है, बद्रीनाथ में भी 1 से 1.5 फीट बर्फ नापी गई है। एक बार फिर ठंडक ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। लोगों के लिए यह बर्फबारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पर्यटकों के लिए यह बर्फबारी लाभदायक है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी सर, बताइए आपका नाम और कैसा लग रहा है? मेरा नाम परेश कुमार ठक्कर है और हम यहाँ पे दिल्ली से आए हैं और दिल्ली के कोरोना वायरस से दूर हो गए आजाद औली के अंदर हम बहुत अच्छा मजा ले रहे हैं। यहाँ पे स्नोफॉल भी होने वाला है और अपनी फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हमारे गाइड है सोनी नेगी, जो हमारे को यहाँ पे लेके आए हैं, और सब इनसे कांटेक्ट करें और इनको अच्छी कोऑर्डिनेशन करें इनके साथ, जिससे ये इनका गढ़वाल का बिजनेस भी उठेगा और यहाँ के लोग बहुत मजा लेने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सपोर्टिंग है। यहाँ पे आइए और बहुत मजा कीजिए। दिल्ली के लोगों को जागरूकता मिलेगी कि उत्तराखंड देवभूमि में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी अच्छी बर्फ है। यहाँ पे ज्यादा लोगों को कोई मतलब पैसों के बारे में ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पैसों में भी लोग इंडिया से बाहर का मजा ले सकते हैं अपने हिंदुस्तान में। ये मिनी स्विट्जरलैंड है, यू नो, बहुत अच्छे, मतलब किसी को यहाँ पे कोई डरने की